राष्ट्रीय पार्टी है हमारी, जिस प्रकार से पार्टी जो भी तय करेगी अपर्णा यादव उसके साथ तैयार है। मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ कि पार्टी जो भी तय करेगी अपर्णा यादव के लिए, मैं पार्टी के साथ हूँ। प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में एक तरह से समाप्त हो चुकी है यह पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर होने के नाते मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि प्रचंड बहुमत की हम सरकार बनाने जा रहे हैं दोबारा, और जो है तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम सभी भारतवासियों का और खास तौर से उत्तर प्रदेश का सभी जनमानस का यह मन बन चुका है कि प्रधानमंत्री जी को हम दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी नजर गड़ा ले, कोई भी कुछ भी कर ले, विपक्ष कुछ भी कह ले, सब लोग इस समय मोदीमय हैं। जी, एक लंबे समय से आपका पॉलिटिक्स में आप रही, एक लंबा वक्त आपका पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द रहा है, पॉलिटिक्स में फुल फ्लेजेड उसमें शामिल है, आपको क्या लगता है कि 24 का चुनाव है, साथ में अभी कई सीट्स हैं जिसमें डिक्लेरेशन होना बाकी है, तो अपर्णा यादव अपने आपको किस तरह से इस चुनाव में देखती है? मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपसे भी कह रही हूँ कि मेरा पार्टी के ध्येय और पार्टी के उद्देश्य के प्रति पूर्ण रूप से जो है मैं उसके साथ हूँ। और राष्ट्रीय पार्टी है हमारी, जिस प्रकार से पार्टी जो भी तय करेगी अपर्णा यादव उसके साथ तैयार है। जी, ये जिम्मेदारियों की बात होगी, लेकिन एक जिस टाइम जो अहम जिम्मेदारी है वो चुनाव लड़ने की है, कई ऐसी सीट से जहां पे अभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ। मैं समझती हूँ कि यह राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी अपने तरीके से तय करती है कि किसको चुनाव लड़वाना है, किससे कैंपेन करवाना है, किसको क्या जिम्मेदारी मिलनी है और कौन किसकी भूमिका में है, क्योंकि हम पार्टी के साथ साथ जैसे अपने परिवार में चिन्हित करते हैं, चयनित करते हैं कि कौन क्या काम करेगा, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार है। वह अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को इज्जत के साथ, मैं समझती हूँ बहुत सारे कार्यभार होते हैं, जो भी पार्टी तय करेगी मेरे लिए मैं उसके लिए तैयार हूँ। रायबरेली की या उस पे, तो क्या लगता है कोई टफ फाइट हो सकती है? सर्वप्रथम मैं यही कहूंगी, बार बार मैंने यही कहा और मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ कि पार्टी जो भी तय करेगी अपर्णा यादव के लिए, मैं पार्टी के साथ हूँ। जहां तक प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में एक तरह से समाप्त हो चुकी है यह पार्टी। इस पार्टी की जन विरोधी और जन जो मुझे लगता है कि भ्रमित करने वाली जो बातें हैं वो सबको पता चल चुकी है, और जिस प्रकार के इनके मैं समझती हूँ कि भाषणों में महिलाओं के प्रति इनके लीडर्स की जो बातें देखने में आई हैं, सुनने में आई हैं, इससे सबके जो है जो थोड़ा भी मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है और जो थोड़ी भी संवेदना रखता है, और मैं समझती हूँ हमारे भारत में अब नवरात्र शुरू हो गया है, सभी महिला शक्ति और शक्ति की उपासना करने में जुटे हुए हैं, तो मैं समझती हूँ ये सब कांग्रेस का पर्दाफाश करने वाले हैं। और लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी। अपर्णा यादव को जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी मैं पार्टी के साथ खड़ी हूँ। नहीं, प्रियंका गांधी के खिलाफ दी जाएगी तो क्या लगता है कि आप उसको, क्योंकि देखिए हमारी पार्टी तय करती है, अगर पार्टी कहेगी तो क्यों नहीं, पार्टी पे है। जी, और भी कई सीट्स उसके ऊपर डिस्कशन होता है। एक बीच में काफी दिन पहले खबर चली थी मैनपुरी लोकसभा को लेके कि वहां से भी आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसका आपने बयान दिया था। वहां से डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हैं, आप उस सीट के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरे से अभी तक पार्टी ने इस विषय पर चर्चा नहीं करी है और मैं जहां तक है यही कहूंगी कि मैं बहुत आदर करती हूं अपने सभी बड़ों का। राजनीतिक हमारी मतैक्यता नहीं थी इसलिए हमने अपनी पार्टी बदली, और जहां तक है बड़ों का आदर पहले भी था, आज भी है, परंतु पार्टी के उद्देश्य और पार्टी का लक्ष्य जो मुझे है पता और जो मुझे मैं समझती हूँ कि सारे भारतवासियों का भी एक ही लक्ष्य है कि मोदी जी को हमें दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है, इसमें मैं ना पीछे हटी हूँ, ना हट रही हूँ, ना आगे हटूंगी। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की जो जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, फिर चाहे वो कहीं से भी हो, रायबरेली से हो, मैनपुरी से हो, किसी भी सीट से हो, आप उसका आह्वान करेंगे? जी, बिल्कुल।